से मुखातिब हो रहे हैं? ये ऐसी संस्थाएं होती है जहाँ पे संवैधानिक मुखिया की भूमिका होती है। राजस्थान असेंबली का जब हमने किया था, उद्घाटन करवाया था, तो हमने राष्ट्रपति जी को बुलाया था। हम भी जाते थे मुख्यमंत्री यहाँ उद्घाटन कर देते, परंतु हमने बुलाया राष्ट्रपति जी को। राज्यपाल महोदय भी आए, स्पीकर साहब की भूमिका होती वो आए, और नेता प्रतिपक्ष बैरून शेखावत जी, बल्कि हमने डिप्टी स्पीकर साहब थे उनको बुला लिया, देवेंद्र सिंह जी थे उस वक्त। आप बताइए, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के नाते या आप प्रधानमंत्री के नाते आपको नहीं करना चाहिए था, इसलिए 20 पार्टियों ने बायकॉट किया है। कितना बड़ा उनका कितना बड़ा ये निर्णय उनके खुद के लिए क्या सोचा होगा, उन्हें कल्पना कर सकते हैं आप? इतना बड़ा संसद भवन का निर्माण कैसे फैसला किया, क्यों किया, वो अलग बात है, परंतु 20 पार्टियां जो डेमोक्रेसी के अंदर महत्व रखती है, उनको बायकॉट करना पड़ा मजबूरी के अंदर, तो इससे आप समझ सकते हो कि देश और दुनिया में क्या मैसेज गया होगा। और इसको लोग अच्छा नहीं मानेंगे, मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री के लिए, इनकी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इनको तकलीफ होगी। आरजेडी के नेता ने आज कहा है कि ताबूत कब्जा की संसद भवन को, आप क्या कहेंगे? किसने कहा? आरजेडी ने। नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो है ये फैसला इनका गलत फैसला था कि प्रधानमंत्री जी कर रहे, राष्ट्रपति के बैठे हुए वहाँ पर दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, उन्हीं का ये बनता था करना, मतलब ये बात है। पीएम चुनावी मोड में रहते हैं, बार राजस्थान भी आ रहे हैं, अजमेर को दौरा है, हमने कहा कि हमने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है राजस्थान के अंदर, सत्ता व संगठन ने मिलकर के जो फैसले किए हैं, गुड गवर्नेंस दी हमने 4.5 साल से, देख रहे हैं आप लोग, कोई कमी नहीं रखी है। अब ये आकर के जो धनबल इनके पास बहुत है, साधन इनके पास पूरे हैं, ये अप एंड डाउन करेंगे प्रधानमंत्री जी और इनके नेता लोग, पूरी फौज है केंद्रीय मंत्रियों की, मेंबर पार्लियामेंटों की, तो ये सबको बिठा रहे हैं, बिठाएंगे, कोई कमी इनकी रहेगी नहीं। हम डिपेंड कर रहे हैं जनता पर, अगर जनता हमारा साथ देगी तो हम चुनाव जीतेंगे, जनता ही माए बाप होती है। और कर्नाटक में ही हुआ, कर्नाटक पूरी ताकत लगा ली, पर राहुल गांधी और खड़गे साहब और इन सब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो हम देखा कि वहाँ जनता ने साथ दिया कांग्रेस का, भारी बहुमत से कांग्रेस जीती है। ये स्थिति राजस्थान बनने वाली है, राजस्थान में स्थिति बनने वाली है। 156 हमारे आई थी 98 के अंदर, तो हम तो चाहेंगे इस बार 156 मिशन लेके चलें, कम से कम उससे ज़्यादा ही आए, क्योंकि काम में कोई कमी रही नहीं है। आज मैंने अभी आपको कहा कि इसकी में जो हमारी ये परमानेंट है, ये सोशल सिक्योरिटी है ये, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए पूरी देश के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए, कानून पास कराए, वक्त आ गया। ये हर परिवार भूखा क्यों सोए भाई? हमने कहा कोरोना के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, प्रदेशवासियों ने कितना साथ निभाया। आज अगर इस आधुनिक युग के अंदर 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें परिवार के परिवार भूखे सोए, आधे अधूरे खाना खा के सोए, क्या मतलब है? रेस्पेक्टेबल उनको पैसा मिलना चाहिए। अब हम देते हैं 1,000 रुपये देते, मारे 12,000 होंगे पर मंथ, पर ईयर, विधवाओं का इनका। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं किसानों को, अब वही लूट रहे हैं, क्योंकि लोग हिसाब किताब कौन लगाए, गुना भाग लगाता नहीं कोई। 2,000 रुपये दे रहे हैं 3 बार मेरे ख्याल से, ठीक है 6,000 दे दिए। हम तो 1 करोड़ लोगों को मिनिमम 1,000 दे रहे हैं, कई लोगों को 1,500 दे रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा भार हम सहन कर रहे हैं, करीब 12-13-14 हज़ार करोड़ का भार सहन कर रहे हैं। आपको पता है इसमें कुछ लोगों को भारत सरकार 200 रुपये देती है, तो इसलिए भारत सरकार की नीतियाँ गलत हैं। उनको चाहिए सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़े। हमने बार बार प्रधानमंत्री से मांगी, मैंने करी है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये दबाव हम बनाए रखेंगे, ये बात है। भाजपा पूरे देश में जो ACP ने छापे डाले हैं, जो एक्टिवनेस दिखाई है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इतने छापे डाले, करीब 1,750, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग।
पकड़े जा रहे, कलेक्टर पकड़े गए जेल में डाल दिए, एसपी पकड़े गए जेल में डाल दिए, कहीं हिंदुस्तान में सुना आपने? यहाँ तक हम बढ़ गए। अभी जो 2 करोड़ रुपये समथिंग पकड़े गए थे, हमारे लोगों ने पकड़ा उन पैसों को। हमने रात को चीप साइड के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, मीडिया से शेयर किया, भाई ये इस पर क्या कहा रहता है, ये इतनी ट्रांसपेरेंसी राजस्थान सरकार रख रही है, तब भी ये लोग क्या करेंगे? इनके पास कोई कहने को है नहीं, इनकी उपलब्धियाँ कोई है नहीं, तो यही बातें करते जाएंगे ये।